हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था आप लोगों का रिलीजियस ग्रुप के बारे में, यानी धार्मिक समूह, उसमें मैंने आप लोग को धर्म के बारे में बताया था। तो आज हम बात करेंगे धर्म की डेफिनेशन के बारे में, उसके अर्थ के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में और उसके लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि धर्म का अर्थ क्या है। तो धर्म से मोटे तौर पर आश्रय अलौकिक शक्ति पर विश्वास है। अलौकिक शक्ति हम उसे कहते हैं जो लौकिक जगत से परे है, जो अगम और अगोचर है। विनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, किंतु उसका अस्तित्व है। वह सर्वशक्तिमान है और मानव जीवन व जगत को नियंत्रित करता है। यदि अलौकिक शक्ति साकार अर्थात इंद्रिय गम्य है, तो भी वह मानव की समझ और नियंत्रण से परे है। धर्म का मतलब मैंने आपको बताया था, धारण करने योग्य, जो चीज हम धारण करते हैं। प्रायः धर्म का अर्थ होता है धारण करना। हिंदू समाज में धर्म की मान्यता इस प्रकार है कि धारणात् धर्म माहु, अर्थात धारण करने के कारण ही किसी वस्तु को धर्म कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई धर्म के अर्थ के बारे में। अब हम बात करते हैं धर्म की परिभाषाओं के बारे में। तो पहली डेफिनेशन जो है धर्म के बारे में, वो है मजूमदार और मदन के अनुसार। तो धर्म किसी भय की वस्तु अथवा शक्ति का मानवीय परिणाम है, जो पारलौकिक है, इंद्रियों से परे है। यह व्यवहार की अभिव्यक्ति तथा अनुकूलन का स्वरूप है, जो लोगों को अलौकिक शक्ति की धारणा से प्रभावित करता है। सेकेंड डेफिनेशन है, डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने दी है। उन्होंने कहा है कि धर्म की अवधारणा के अंतर्गत हिंदू उन स्वरूपों और प्रतिक्रियाओं को लाते हैं जो मानव जीवन का निर्माण करती हैं और उसको धारण करती हैं। गिलिन और गिलिन ने कहा है कि धर्म के समाज शास्त्रीय क्षेत्र के अंतर्गत एक समूह में अलौकिक से संबंधित उद्देश्यपूर्ण विश्वास तथा इन विश्वासों से संबंधित बाहरी व्यवहार, भौतिक वस्तुएं और प्रतीक आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रेजर के अनुसार। तो फ्रेजर ने कहा है कि धर्म से मेरा तात्पर्य मनुष्य के श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि अथवा आराधना से है, जिसके बारे में व्यक्तियों का विश्वास हो कि वे प्रकृति और मानव जीवन को नियंत्रित करती हैं तथा उनको निर्देश देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो डेफिनेशन दी गई है वो है टेलर के अनुसार। टेलर ने कहा है कि धर्म का अर्थ किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करना है। दुर्खिम जी के शब्दों में, दुर्खिम जी ने कहा है कि धर्म पवित्र वस्तुओं में से संबंधित विश्वासों और आचरणों की समग्रता है, जो इन पर विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय के रूप में संयुक्त करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो होबेल के अनुसार है। उन्होंने कहा है कि धर्म अलौकिक शक्ति के ऊपर विश्वास में आधारित है, जो आत्मवाद और मानव को सम्मिलित करता है। मेलिवोस्की के अनुसार धर्म क्रिया का एक ढंग है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी है। धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी होनिंग शीम के अनुसार। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक मनोवृत्ति जो इस विश्वास पर आधारित है या इस विश्वास से संबंधित है कि अलौकिक शक्तियों का अस्तित्व है और उनसे संबंधित स्थापित करना संभव और महत्वपूर्ण है, धर्म कहलाता है। आर्गबन और निमकॉफ के अनुसार धर्म मनोपरी शक्तियों के प्रति अभिवृत्तियां हैं। जॉनसन जी ने कहा है एक धर्म प्राणियों, शक्तियों, स्थान अथवा अन्य वस्तुओं की अलौकिक व्यवस्था से संबंधित विश्वासों एवं व्यवहारों की अधिक या कम साम्यपूर्ण व्यवस्था है। पालक टिलिक कहते हैं कि धर्म वह है जो अंतः हमारे या हमसे संबंधित है। ये तो सारी हो गई डेफिनेशंस जो कई विद्वान हैं उन्होंने लिखी हैं धर्म को लेकर के। अब हम बात करते हैं धर्म की विशेषताएं और इनके लक्षणों के बारे में। तो धर्म की विशेषताओं और लक्षणों के बारे में उसके कुछ 8-9 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो मैं आप लोग को बता रही हूं।
तो फर्स्ट पॉइंट है शक्ति में विश्वास, कि धर्म का शक्ति में विश्वास होता है। तो धर्म की पहली विशेषता यह है कि यह शक्ति में विश्वास पर आधारित होता है। धर्म शक्ति पर आधारित है, वह मनुष्य निर्मित ना होकर प्राकृतिक होता है। सेकेंड है दिव्य चरित्र। धर्म से जिस शक्ति में विश्वास किया जाता है उसकी प्रकृति अलौकिक होती है। चूंकि ये चरित्र दिव्य होता है अतः मानव समाज से परे होता है। थर्ड पॉइंट है पवित्रता का पत्र। तो सामाजिक जीवन के तत्वों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, पवित्र और अपवित्र। धर्म में सिर्फ उन्हीं तत्वों को महत्व प्रदान किया जाता है जो पवित्रता की धारणा से संबंधित होते हैं। फोर्थ पॉइंट है सैद्धांतिक व्यवस्था। सैद्धांतिक व्यवस्था भी धर्म का अनिवार्य तत्व है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक धर्म की एक सैद्धांतिक व्यवस्था होती है। इस सैद्धांतिक व्यवस्था की सहायता से धर्म को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट जो है वो है निश्चित प्रतिमान, यानी प्रत्येक धर्म के कुछ निश्चित प्रतिमान होते हैं। ये प्रतिमान ईश्वरीय रक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति इन प्रतिमानों का आदर करता है और इन प्रतिमानों के आधार पर अपने व्यवहार का निर्धारण करता है। सिक्स पॉइंट है मूल्यात्मक व्यवस्था। धर्म समाज में मूल्यों की एक व्यवस्था का निर्धारण करता है। यही कारण है कि धर्म को मूल्य और भावनाओं के आधार पर समझने का प्रयास किया जाता है। तर्क और विवेक को धर्म में कोई भी स्थान जो है वो नहीं मिलता है। सेवन पॉइंट है प्रत्येक धर्म अपने में धार्मिक चेतना को विकसित करता है। धार्मिक चेतना के कारण ही व्यक्ति धर्म का आदर करता है। आज संसार में जो अनेक धर्म पाए जाते हैं उनका जन्म और विकास धार्मिक चेतना के कारण ही हुआ है। एट्थ पॉइंट जो है धार्मिक मान्यताएं। प्रत्येक समाज के धर्म की अपनी अलग अलग मूल एवं मान्यताएं हैं। यही मान्यताएं धर्म को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करती हैं। यही कारण है कि लोग समस्याओं एवं कठिनाइयों में भी धर्म पर विश्वास करके साहस व धैर्य से कार्य करते हैं। तो ये आप लोग के धर्म के लक्षण और उसकी विशेषताओं के बारे में मैंने आप लोग को बताया है। तो धर्म से रिलेटेड जो जो हमारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट थे, उसका अर्थ, उसकी डेफिनेशन, उसके लक्षण और उसके उसकी विशेषताएं, और उसकी लक्षण ही उसकी विशेषताएं होती हैं। ये दोनों सेम चीज है। अगर धर्म की विशेषताओं के बारे में आता है तो आप यही पॉइंट्स लिख सकते हैं जो मैंने 8 पॉइंट आपको बताए हैं, और लक्षणों के बारे में आता है तो भी आप यही 8 पॉइंट लिखेंगे। तो ये दोनों सेम चीजें हैं, विशेषताएं और लक्षण। आपका जो ये 8 पॉइंट है, ये आपका 9 लिखा हुआ है इसमें धार्मिक मानता है, तो ये गलत प्रिंट हो गया है। तो इसको आप लोग 8 पॉइंट ही मानिएगा। तो हमारा जो धर्म का टॉपिक है वो यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब धार्मिक समूह से रिलेटेड जो भी चीजें हैं मैं आप लोग को अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धर्म के टॉपिक में हमारा उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशंस, उसके जो लक्षण थे, विशेषताएं जो मैंने बताई हैं, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में धार्मिक समूह के बारे में, जो उसका नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी। थैंक यू।